दोस्तों, हम लोगों को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक्स या एटीएम का सहारा लेते हैं, और ज्यादातर लोग जो अपना समय बचाना चाहते हैं वो एटीएम का यूज करते हैं। पर दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि एक एटीएम मशीन में कितने रुपए होते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे दो जोन्स में डिवाइड किया गया। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं यानी सिटी एरिया में रहते हैं, तो जो एक औसतन अमाउंट होता है जो एक एटीएम के अंदर होता है वो लगभग 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए के बीच होता है। और अगर दोस्तों आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं यानी विलेज एरिया में रहते हैं, तो ये औसत 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहरों में लोगों की रहने की पर किलोमीटर की एरिया की जो डेंसिटी होती है वो गांव के मुकाबले ज्यादा होती है, और यहां के लोगों को गांव के मुकाबले ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।